गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम निधि सिंह। आज तक मैंने जो भी टॉपिक डिस्कस करे उसके बाद प्लांट एनाटॉमी में एक लास्ट टॉपिक और बचता है जिसे कहते हैं लीफ फॉल। लीफ फॉल यानी पत्तियों का झड़ना, इसे हम हिंदी में विल्गन, बायोलॉजिकली एब शीशन भी कहते हैं। सभी पौधों में फल, पत्तियां, शाखाएं सब लगता है फूल, लेकिन वो एक एज आने पर गिरते भी हैं, यानी डेड भी हो जाते हैं। और किसी भी पौधे से पत्ती का, फल का, शाखा का अलग होना या गिर जाना, उसे हम कहेंगे विल्गन। जब ये पौधे और फल के पेडिसल के बीच, पौधे और पत्ती की पेडिसल के बीच विल्गन लेयर बनने लगती है, विल्गन लेयर एबीए हार्मोन्स के कारण बनती है, एब्सिसिक एसिड एबीए को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम एब्सिसन रखा गया। एबीए हार्मोन्स के निकलने से ब्रांच एंड लीफ, ब्रांच एंड फ्रूट के मध्य एक एब्सिसन लेयर फॉर्मेट होगी। एब्सिसन लेयर फॉर्मेशन के बाद वह लीफ या फ्रूट्स या ब्रांचेस उस मेन ब्रांच से गिरकर अलग हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं एबीए अर्थात एब्सिसिक एसिड एब्सिसन लेयर या एब्सिसन में किस प्रकार हेल्प करता है। इससे पहले हम ये भी जानेंगे कि लीफ फॉल होती किन किन सीजन में है और किन किन प्लांट्स में किस प्रकार से लीफ फॉल या फ्रूट्स फॉलिंग होती है। तो आपकी जो शीतोष्ण जलवायु है, जो क्लाइमेट्स होते हैं, जो ऐसे प्रदेशों में पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती का मतलब है पर्ण मतलब लीफ, पाती मतलब गिर जाना, ठीक है। तो पर्णपाती वृक्ष स्प्रिंग सीजन में बिल्कुल ही गिर जाते हैं। गर्म व शुष्क जलवायु में उगने वाले वृक्षों की पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में झड़ने लगती हैं। इसके अलावा आपके एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनमें पुरानी पत्तियां गिरती जाती हैं और नई पत्तियां निकलती जाती हैं, किंतु वृक्ष कभी भी पर्णहीन यानी लीफलेस नहीं होते पूरी तरह से। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें बसंत ऋतु से पहले पूरे प्लांट्स की लीफ गिर जाती हैं और सिर्फ प्लांट्स में ब्रांचेस ही ब्रांचेस दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा बसंत ऋतु आने पर उसमें नए कोपल, नई लीफ निकलना शुरू हो जाती हैं और जो पुरानी पत्तियां थी वे गिर गई। इसी को हम कहते हैं डेसीडुअस या पर्णपाती होना। बट एवरग्रीन प्लांट जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं उनमें पुरानी पत्तियां गिरती जाती हैं और नई पत्तियां आती जाती हैं। तो विल्गन लेयर किस प्रकार बनती है, प्लांट्स जो ब्रांच है उनमें और स्टेम, इसे कहते हैं हम पेरी डर्म, दिस इज स्टेम।
स्टेम का सबसे बाहरी भाग है पेरिडर्म, यही बार्क भी कहलाता है। फिर स्टेम है आपका, ये मेन प्लांट्स हैं। ये पेरिडर्म और इसके ऊपर कोई पीटियोल अटैच है जिससे एक लीफ निकल रही है, दिस इज पीटियोल। पीटियोल वो पार्ट होता है जिससे लीफ लगी होती है, अर्थात लीफ के बाहर का जो डंठल है, लाइक दिस। ये है पीटियोल जिससे ये पत्ती इस मेन स्टेम से जुड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं मैंने डॉटेड में बनाया है। ए बी ए हार्मोन्स के कारण, ए बी ए एब्सेसिक एसिड हार्मोन्स के कारण ये सेपरेशन लेयर फॉर्मेट हो रही है। सेपरेशन लेयर फॉर्मेशन से एक एब्सेसिक जोन फॉर्मेट हो जाता है। एब्सेसिक जोन बनने से ये धीरे धीरे पत्ती अलग हो जाएगी और ये पीटियोल से ये ब्रांच से जो ब्रांच है वो लगी रहेगी। इस तरह से ये मेन स्टेम है आपका, मेन स्टेम से जो आपका लीफ का पीटियोल पार्ट्स है उसमें एब्सेसिक लेयर सेपरेशन लेयर ए बी ए हार्मोन्स के कारण फॉर्मेट होने लगती है और यहीं से ये पीटियोल यानी फल या लीफ गिरकर अलग हो जाते हैं और यहाँ पे एक एब्सेसिक जोन तैयार हो जाता है। इसी से को हम कहते हैं विलगन या एब्सेसन। अब इसकी सेलुलर स्टडी भी कर लेते हैं। ये एक मेन आपकी ब्रांच है, ये इसका वैस्कुलर बंडल वाला एरिया, वैस्कुलर बंडल वाला एरिया जहाँ पे वाटर सप्लाई हो रही है। ये आपकी बार्क, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये गैपिंग आपको दिख रही होगी, ये जो गैपिंग दिख रही है यहीं पर आपकी एब्सेसन लेयर फॉर्मेट हो रही है। एब्सेसन लेयर ए बी ए हार्मोन्स के कारण बनती है। अगर नहीं बनेगी तो पत्तियाँ कभी गिरेंगी ही नहीं, नई पत्तियाँ लगी ही रहेंगी, वो पुरानी भी हो जाएंगी तब भी लगी रहेंगी, फल भी कभी टूटेंगे नहीं, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए नेचुरली ए बी ए हार्मोन्स प्राकृतिक रूप से उसमें बनता है और एब्सेसन लेयर बीच में बनने लगती है। सरल पत्तियों में विलगन स्तर व्रंथ के आधार पर बनता है जबकि संयुक्त पत्ती में यह रैकिस के आधार पर बनता है। विलगन स्तर पैरेन्काइमेटस सेल्स के मध्य में एक पट्टी के रूप में तैयार हो जाता है, इसे ए बी ए जोन भी हम कह सकते हैं या एब्सेसिक जोन भी कह सकते हैं। एब्सेसिक जोन धीरे धीरे एंजाइम सिक्रीट करता है
और कोशिकाएं दूर होने लगती हैं। जो वाहिनियां हैं यानी जाइलम वेसल्स हैं वो धीरे धीरे बंडल से टूटकर अलग होने लगती हैं। फिर पत्ती गिर जाती है। पत्ती के गिरने से कुछ समय पूर्व इसमें तुरंत ही एक विलगन लेयर तैयार होती है, जो आपके जो मेन ब्रांच जो आपकी है, जो बाहर की छाल है, बार्क है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिससे पत्ती के गिरने के बाद वहाँ पे ऐसी कोई भी सेल्स ना रह जाए जिससे लीफ में या इस ब्रांच में किसी प्रकार का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पर एक नई लेयर तैयार हो जाती है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है, जो प्लांट्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को बचाती है। बाद में यहाँ पे पत्ती के गिरने के बाद एक चिन्ह बन जाता है जिसे हम लीफ स्कार भी कहते हैं, या फूल गिरने पर, फल गिरने पर भी यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने से क्या होगा, हमें ये पता होगा कि यहाँ से फल या लीफ अलग हुए हैं, विलगन लेयर फॉर्मेट हुई है, एक एब्सिसिक जोन तैयार हो गया। एब्सिसिक जोन तैयार होने के बाद बार के ऊपर की सेल्स फिर एक्टिव हो जाती हैं और एक लीफ स्कार बना देती हैं, या पीटियोल स्कार भी बना सकती हैं। इसके बनने से वो प्लांट्स इन्फेक्शन की दृष्टि से सिक्योर रह जाता है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।